रहा हूँ हमारी जमात के अजीम खतीब मरकजी जमीयत अहले हदीस ज़िला गुजरावाला के अमीर मसनद यजदानी शहीद के जानशीन शेर रब्बानी खतीब लासानी हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ रब्बानी साहब। الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى وبارك وسلم وصل عليه ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين واجب الاحترام सामईन मुख्तरम अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी हमदो सना दे बाद बेशुमार ला तादाद दरूदो सलाम इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन सैयदुस्साकलेन शफीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी थे साहिबो और अजीज साथियों
अल्लाह खालिक व मालिक दी मेहरबानी करम नवाजी नाल उदे घर अंदर आन दा और मिल बैठन दा जो सानू मौका मुयस्सर आया, दुआ फरमाओ अल्लाह साडा सब दा आना बैठना अपने दरबार अंदर मकबूल मंजूर फरमाए और साडे सारे दी निजात दा जरिया और सबब बनाए। रस्म दुनिया यही है कि साढ़े चो हर बंदा अपने घर आन की दावत या इजाजत उसनों ही देंदा है जिदे नाल उहदा कोई ताल्लक होए, कोई वास्ता होए, और अल्लाह भी अपने घर अंदर आन की तौफीक उसनू अता फरमाते ने जिदे नाल अल्लाह भलाई का इरादा फरमा लेंदे ने। उहदे घर अंदर उहदी तौफीक दे बगैर ना आ सकने आ ना बैठ सकने आ। बाज़ औकात ऐसा हुंदा है कि इंसान अपनी जबान तो ऐसे जुमले अदा करता है जिहड़े अल्लाह की नाराजगी का जरिया और सबब बनते ने और गुनाह कबीरा तक पहुँच जाते ने। एक तो ये बिन कि बंदा गलती करता है, गुनाह करता है, जुर्म करता है और गलती करन दे बाद आम इंसानों को एक दूसरे को मुआफ़ी माजरत मिन्नत तरला कर लेंदा है जी मैं माजरत खा वहाँ गलती हो गई है। एक वे के बंदा गलती करके ओदे ते पक्का भी होवे आकड़े भी यानी पंजाबी जिन्हों आंदे ने नाले चोर ते नाले चतर। ये बंदा माशरे के अंदर आम इंसानों नू वारा नहीं खांदा। कई ऐसे कमले और बद नसीब ने कि जिन्हां दी जबान तो ऐसे कलेमात और जुमले अदा हुंदे ने कि लो जनाब नमाजा तुसी पढ़ते हो असी नहीं पढ़ते, केड़ी शै वे जिहड़ी तुहाडे कोल है ते साडे कोल नहीं। तुसी नमाजा पढ़ते हो औलाद तुहाडे कोल भी है असी नहीं पढ़ते, साडे कोल भी है। तुसी नमाजा पढ़ते हो कारोबार तुहाडे भी ने असी नहीं पढ़ते, साडे भी ने। एक बात जहन के अंदर बिठा लो कि जदों रब किसी नाल नाराज हुंदे ने ना अल्लाह उहदा रिजक नहीं बंद करदे, अल्लाह जुल जलाल उहदा कारोबार नहीं बंद कर देंदे। कदी रब ने यह नहीं फरमाया कि सूरजा अज चढ़ना ही ते फलाने ने फजर नहीं हो पड़ी उहदे घर रोशनी नहीं करनी, अज फला कर हवा नहीं जानी चाहिए उन्हें जोर असर नहीं पड़ी। जदों अल्लाह किसी नाल नाराज होंदे ने ते अल्लाह उहदे कोलो सजदा करन दी तौफीक खो लेंदे ने, रब उन्हों अपने दर अपने घर ते झुकन दी तौफीक ही नहीं अता फरमांदे। इस वास्ते दुआ करिया करो अल्लाह सानू सारिआं नू अपने घर नाल सच्ची मुहब्बत ते सच्चा प्यार नसीब फरमा दे। मसाजद दे अंदर आना, मसाजद नाल दिल लगाना, मसाजद दे अंदर आके अल्लाह जुल जलाल दे दरबार अंदर झुकना ये बहुत बड़ी सआदत और बहुत बड़ी खुश नसीबी है। अल्लाह सानू सारिआं नू अपने घर नाल प्यार और मुहब्बत रखन दी तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाइयो मेरे बरादर ये है जिंदगी, आम इंसानी जिंदगी। अल्लाह जुल जलाल वली कराम ने हर इंसान नू पैदा फरमाया और ये तुहानू पता है पैदा करने वाला कौन है? हौली हौली जरा बोल दे कौन है?
पैदा करने वाला कौन है? ऐ सारा जहान दा निजाम बनान वाला कौन है? अल्लाह जुल जलाल वली कराम दी जाते गिरामी। तो अल्लाह जुल जलाल वली कराम अपने प्यारियां दा इम्तिहान भी फरमाया करते ने और वेंदे ने इन्हां चो खरा कौन है, खोटा कौन है, पक्का कौन है, कच्चा कौन है। और कुरान दे अंदर ऐलान फरमाया अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने वाला ना बोलो वरना बेशय। माशाल्लाह कारी मुहम्मद हसन सल्फी हफिज़हुल्लाह अल्लाह सेहत न लंबी जिंदगी अता फरमाए और इन्हां दे रुफका अहबाब जमात और माशाल्लाह उलमाए किराम इलाका भर तो कसीर तादाद अंदर अल्लाह की तौफीक नाल तशरीफ फरमाने और साडे मोहतरम भाई मुहम्मद याहिया साहब जिस तरह हजरत जिक्र फरमा रहे सन तो अल्लाह दे घर चाहे वह जौक नाल शौक नाल मुहब्बत नाल प्यार नाल तशरीफ रखो। वैसे तो तुहानू कवेले वेले मौलवियां दे वस पा दिता सल्फी साहब ने, हाँ रोटी शोटी खाने का टाइम से तुहानू मौलवियां दे खाते पा दिता। बहर हाल मैं इंशाला कोशिश करांगा भाई तुहाडे और खाने के दरमियान मैं ज्यादा देर हायल नहीं रहांगा। इंशाला जल्दी जल्दी अपनी बात में इख्तिताम की तरफ ले जावांगा, लेकिन जिन्नी देर तक बैठो जरा प्यार नाल मुहब्बत नाल शौक नाल तशरीफ रखो। अल्लाह साडी सारयां दी इस हाजरी नू अपने दरबार अंदर कबूल फरमा ले। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने वाला ना बोलो वरना बेशय। कह दियो एक गल होर भी ज़हन च बिठा लो के प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिना दे लाल अलैहि सलाम दा फरमाने गिरामी आप फरमांदे ने ऐ मस्जिद जन्नत दे बाग ने किस्मतां वाले और नसीबां वाले हो आ मस्जिद जन्नत दे बाग ने इन्हां बागां विच जदों आओ कोई खा पी लिया करो कोई चर चुग लिया करो। अल्लाह दे प्यारे नबी जी इत्थे खाण पीण वाली शै ही केड़ी है? आ फरमांदे ने मस्जिद जन्नत दे बाग ने इन्हां बागां दा फल की है? सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। जे जन्नत च आके भी परेशान ही होना है तो फिर खुशी का दुनिया से होर ठिकाणा कोई नहीं। इस वास्ते इंज समझो तुसी अल्लाह दे जन्नत विच बैठे हो मस्जिद जन्नत दे बाग ने ते खाया पिया करो सुभान अल्लाह अलहम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ए जन्नती बागां दे फल ने। मेरे पाक पैगंबर अली सलाम दा फरमाने गिरामी और आइए जरा अल्लाह दा कुरान से मात फरमाना फरमाया वाला ना बोलो वरना कुम बेशय मैं नाल खौफ वल जूए व नक्सिम मिन अल अमवाल वल अनफुस व समरात व बशर अल्लाह जुल जलाल इम्तिहान कर देने आजमान देने। अल्लाह मैं तेरे कुरान दी अजमत तो सदके अल्लाह जुल जलाल इम्तिहान कर देने बैका देना मैं नाल खौफे कदी कदी अपने बंदिया नू डरा के आजमान देने दुश्मन दा खौफ ते दुश्मन दा रोब पा के आजमान देने मैं नाल खौफे वाल जूए कदी कदी भुख दे के आजमांदे ने वा नक सिमे नाल अमवाले वाला अनफोसे वसा मरात कदी माला विच कमी करके आजमांदे ने कदी जाना विच कमी करके आजमांदे ने की माना बनेगा कदी अल्लाह जुल जलाल दौलतां दे के आजमांदे ने कदी कारोबार विच बरकतां पा के आजमांदे
आजमांदे ने, कदी कारोबार विच नफा दे के आजमांदे ने, कदी कारोबार दे विच अल्लाह जुल जलाल घाटा पा के आजमांदे ने, कदी औलादां दे के आजमांदे ने, कदी औलादां वापस लै के आजमांदे ने। वबशर साबरी ते खुश नसीब किस्मतां वाले ओ ने जेड़े हर हाल विच अल्लाह दी रज़ा ते राजी रहिंदे ने, साबर ते शाकर रहिंदे ने। अल्लाह जुल जलाल वाली करां इन्हां अपने प्यारियां नाल जन्नत दे आप वादे फरमा लैने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुण माला विच कमी जाना विच कमी किस अंदाज नाल कुरान दा एक दूसरा मकाम समात फरमाना। अल्लाह हिलांदे ने अपने बंदिया नूं, झंझोड़दे ने अपने बंदिया नूं, अल्लाह जुल जलाल इम्तिहान करदे ने अपने बंदिया दा। कुरान दा एक दूसरा मकाम फरमाया अलिफ लाम मीम हसब الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين। फरमाया असी इम्तिहान करना, असा वेखना है हासे बन्ना सो अतरागो, क्या लोगों ने गुमान कर लिया बस इन्नी गल करके ही छुट जावांगे कि असा जबाना तो ला इला इल्लल्ला कह दिता, बस इन्ना ही काफी है, हुण इहदे तो बाद अमल की जरूरत कोई नहीं। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने इन्ने ते ही छुटकारा नहीं होना। और सानू ते ईमान की कदर नहीं, सानू इस्लाम दी कदर नहीं। मैनू अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, अगर सानू ईमान इस्लाम दी कदर हुंदे असीं अल्लाह ते उहदे रसूल दे अहकामात दीआं पाबंदियां करदे। सानू ईमान इस्लाम दी कदर नहीं, अगर ईमान ते इस्लाम दी कदर पुछनी आ जा जा के तपदियां ले तपदियां रेतां ते लेटे बिलाल कोलों जा के पुछो, इस्लाम दी कदर पुछनी है ते सैयदा मां जी सुमैया कोलों जाके पुछो, इस्लाम दी कदर पुछनी है हजरत बीबी सैयदा जनीरा कोलों जाके पुछो। और यार इस्लाम दी कदर पुछनी है जा जा के सूलियां ते टंगे प्यारे खुबैब कोलों जाके पुछो। असी ते मुसलमाना दे घर पैदा हो गए हैं, सज्जे कान च मौली साहब ने अजान कहती है, खब्बे तकबीर हो गई है, बस असी जनाब इन्ने च मुसलमान आ, ना नमाज की लोड़, ना रोजे की लोड़, ना सदके की लोड़, ना जकात की लोड़, मर जावांगे ते मौली साहब ने नमाजे जनाजा पढ़ा छड़ना, बस इन्ना ही काफी है। जन्नत साडा ही है, साडा ही है, तुहाडा जे जान नूं जी नहीं करदा है साडा ही है, इंशाअल्लाह है साडा ही है। पर लभेगा थोड़ा जाना हिला जुला के, लबेगा जरूर इंशाल्लाह, लेकिन अल्लाह जुल जलाल जरा हिला के चंजोड़ के फिर जन्नत अता फरमानगे। आहा से बन्ना सो अई उतरगो अई अकुलो आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वाला कद फतन अल्लज़ीन मिन कबलिहिम फला यालमन अल्लाह الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين। असी वेखना अपने मौकफ ते दावे विच सच्चा कौन है, अपने दावे विच झूठा कौन है। ओए सच्चियां वेखना दे जाओ नबी दियां गुलामां नूं वेखो, बस एक वारी जबान ते कलमा आ गया अल्लाह इलाहा, पढ़ लो ला इलाहा
एक दफा जबान ते कलमा जारी हो गया, हक दी सदा एक दफा जबान ते आ गई है। ओ मैया जालिम डांगा मार दाए पिया, ओ मैया जुलम ते सितम दी इंतहा कर दाए पिया। ते मेरे प्यारे बिलाल आहद आहद दियां बोलियां बोली जांदे ने, आहद आहद दे तराने पड़ी जांदे ने। एक दिन ना जनाबे सिद्दीक कोलों दी गुजरे, नजरां पईयां ते फरमांदे ने बिलाल प्यारे आ जरा हौली पढ़ लिया कर, दुश्मन चिड़दा जुए। ते बिलाल सोने जरा हौली पढ़ लिया कर, अल्लाह हालात बदलनगे, दिन सदा एक जैसे रहिंदे, दिन सदा एक जैसे नहीं रहिंदे, हालात बदलते रहिंदे ने। बिलाल हालात बदलनगे, फिर आहद आहद दियां बोलियां उच्ची बोल लवे, है बिल्कुल ठीक है। कुछ दिन दे बाद प्यारे अबू बकर कोलों दी गुजरे, बिलाल आज भी मारा खांदा पिया, आहद आहद दियां बोलियां बोलदा है पिया। ओ बिलाल मैं जो आख्या सी हौली पढ़ लिया कर, आंदे ने अबू बकर हौली पढ़न विच ओ मजा ही नहीं, पढ़दा है वहां कोशिश की थी है, पर हौली पढ़न विच ओ मजा ही नहीं। जिमे जिमे डांगा भजदियां जांदियां ने, ईमान वधदा जांदा है, जिमें जिमें मारा पैंदियां जांदियां ने, ईमान वधदा जांदा। ओ मैया सालिम नाले बिलाल नूं ताने पिया देंदा, नाले मेने पिया मारदा। ओ बिलाल तैनू ते नौजो बिल्ला कोई रोटी ते रखण वास्ते तैयार ने, तैनू ते चंद टकियां च खरीदण वास्ते तैयार ने। ओ बिलाल मैं तैनू खरीदिया, मैं तैनू खिला रहा, मैं तैनू पिला रहा वा। ते मैं सुने मुहम्मद दा कलमा पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बड़ा प्यारा मौला ने नक्शा खिंचया। फरमांदे ने कहिंदा ओ मैया तैनू मुल ले आया मैं, कहिंदा ओ मैया तैनू मुल ले आया मैं, बैठे ने कमे ताई अनाज खवाया मैं, ते हो गया मोमिन आज पता ए पाया मैं। हजरत बिलाल अगों आहो पुकारदा, ये नहीं आख्या। और नहीं चोरी साहब तुहानू भुलेखा लगा होना है, असी तो जमांदरों तुहाडे खादम, असी तुहाडे नौकर, असी तुहाडियां आने वालियां नस्लां दे नौकर, असी तुहाडे जनाब बच्चियां दे खादम, एवें तुहानू भुलेखा लग गया। ना ना ना, और बिलाल है भी माड़ा है, बिलाल है भी गरीब है, बिलाल दे पल्ले शै भी कोई नहीं, बिलाल है भी माड़ा है। और बिलाल नू अल्लाह जुल जलाल ने ए रोब, बिलाल नू अल्लाह ने इज्जत ते अजमत अता फरमाई है कि मक्के दे सरदार दे सामने सीना तान के खड़े ने, फरमान लगे ओ मैया किसे खेच ना रही, गल लुकी छुपी नहीं, मैं मुहम्मद दा कलमा पढ़ लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गल लुकी छुपी नहीं, मैं पूज पूज बुत सारी उमर लंघा लई, पूज पूज बुत सारी उमर लंघा लई, मैं रब तो बेगाने हो गए उमर गवा लई। हुण शुक्र खुदा दा दौलत मैं वहदत दी पा लई, पढ़ लिया ए कलमा दिलों अहमद सरदार दा, नाम मोहम्मद वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ मैया ताने पे मार दे, ओ बिलाल तैनू ते रोटी ते रखण वास्ते तैयार। अबू बकर फरमांदे ने ओए ओ मैया तू ख्याल कर, ओ माड़े आदमी ते रहम कर, तरस कर, क्यों गरीब आदमी नू मारन दे है। ते कहन लगा एडा जो तरस आउण दे ही, ते बिलाल नू खरीद के आजाद करा दे। फरमान लगे सौदा कर ला। ओ मैया कहन लगा ओ तेरा फलां गुलाम जेड़ा ओ मैनू दे दे, बिलाल तू ले ले।
फरमान लगे मैनू मंजूर है, मैनू मंजूर है। और हजरत अबू बकर दा वो गुलाम बड़ा महंगा कीमती और इंतहाई खूबसूरत सी है, मुशरक सी काफर सी। अबू बकर फरमाते ने मैनू मंजूर है। उमैया कहन लगा ये किवें हो सकता है, ऐडा सोहना गुलाम दे के ते काला बिलाल वाला तू लैन दे। अबू बकर फरमाते ने चलिया एको ही ते तैनू फर्क समझ नहीं आया कि मेरा गुलाम रंग दा चिट्टा ते दिल दा काला। दुआ करो अल्लाह सानू साफ दिल नसीब फरमा दे। मेरे गुलाम दा ते तेरे गुलाम दा फर्क है, मेरा गुलाम रंग दा चिट्टा ते दिल दा काला, मुशरक काफर। ए उमैया तेरा गुलाम बिलाल दिल दा चिट्टा है ते रंग दा काला है, रंग दा काला दे दे, रंग दा काला दे दे, दिल दा चिट्टा दे दे, ते हुस्नो जमाल वाला गुलाम दिल दा काला लीले, क्योंकि तेनू पता ही नहीं तू आने बिलाल दा मुल कोई नहीं। बिलाल दा मुल या अर्श वाला खुदा जानदा या मुहम्मद मुस्तफा जानदा सल्लल्लाहु अलैहि। और फिर मेरे नबी ने ना मुल पा दिता, बिलाल दा नबी ने मुल पा दिता। वर्कर कारकुन जमात दा, और जमात दे लीडर वर्करां दी इज्जत ते नफ्स दा ख्याल रखण, ते वर्कर ते जान देन वास्ते तैयार हुंदे ने। और फिर उस कायद ते उस जमात दे लीडर ते रहबर ते रहनुमा ने बिलाल दियां मुहब्बतां दा मुल किवें पाया। मक्का फतह हो गया, मक्का फतह हो गया, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े सरमायादार ने काबा दे अंदर लर्जा बर अंदाम ने, ते मेरे पाक पैगंबर अली सलातो व सलाम फरमांदे ने या बिलाल जी अल्लाह दे प्यारे नबी जी। बिलाल आहद आहद दियां बोलियां बोलदा से, ओ मैया तैनू डांगा मारदा से जी सोने ओ इंजिए, आहद आहद दे गीत गांदा से, ओ मैया तैनू मारदा ते परेशान करदा से जी अल्लाह दे प्यारे नबी जी। आ फरमांदे ने बिलाल आज काबे दी छत ते चढ़ जा, आज काबे दी छत ते चढ़ के ते अल्लाह दी तौहीद दियां सदावां बुलंद कर दे। मैं कुर्बान जावां बिलाल काबे दी छत ते चढ़े ने, ते मैं कहा करना वा बिलाल ने एक दफा जदों आख्या होएगा अल्लाह अकबर। बिलाल ने जदो एक दफा अल्लाह अकबर दा तराना पढ़िया होएगा ते मारा सारियां ही भुल गईयां होणगियां, दुख सारे ही दूर हो गए होंगे, परेशानियां सारियां ही खत्म हो गईयां होणगियां, क्योंकि बिलाल दे दिल दी मुराद पूरी हो गई है। अज काबे दी छत ते चढ़ के बिलाल आहद आहद तराने बोलदा पिया। और बिलाल नू ओ भी दिन याद ने जदों अंगारिया का बिस्तर बनाया जाता है, सानू ते मामूली जी तकलीफ आ जाए ना माड़ी जी, जैसा सुन जाते सैकल तो मुंडा डिग पवे ते मौलवी नू फड़ लैने ले रोंदे जलसे स्नान नू मुंडा सैकल तो डिग के जख्मी हो गया, असीं ते इन्ना बर्दाश्त नहीं करते। थले अंगारिया का बिस्तर, बिलाल अंगारिया ते सीने ते भारी पत्थर पिया, ते बिलाल दे जिस्म दी चर्बी पिघल पिघल के अंगारे बुझ जांदे ने, ते बिलाल अजे भी आखी जांदा अल्लाह आहद। अल्लाह मैं तेरे कुरान दी अजमत तो सदके जावां, कुरान दा एक और मकाम। अल्लाह फरमांदे ने सुनियो ऐलान फरमा दियो अम्मा हसिब तुम अन तदखुलुल जन्ना वलम्मा यातकुम मसालुल लजीना खलौ मिन कबलकुम मस्सतुहुमुल बासाओ वज़्ज़र्राओ زلزلوا حتى يقول الرسول
والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. نبی پاک دے کول اے سونے ہو اے دکھ تے ازمائشاں تے پریشانیاں تے مصیبتاں حضور کنا کچھ رہنیاں نے تے آپ فرماندے نے ہنے ہی پریشان ہو گئے ہو تواڈے تو پہلاں جڑے لوگ گزرے نے انہاں دے سراں تے آریاں رکھ کے چیر دتا گیا انہاں دے جسماں نو لوہے دیاں کنگیاں نال ہڈیاں تو گوشت جدا کر دیتا گیا انہاں دے جسم نے ٹکڑیاں دے اندر تقسیم کر دیتا گیا پر او پھر بھی اپنے اللہ دی رضا تے راضی تے صابر تے شاکر رہنے. اور ایک گل ہور بھی دے اسلام دی خاطر دین دی خاطر جنی تکلیف ود دی جائے گی اونا رب دا قرب لب دا جائے گا. اسلام دی خاطر جنی تکلیف بہتی آئے گی اللہ ذل جلال اونا بندے نو اپنا مقرب تے پیارا بنا لیں گے. اور صاحب دل نے بڑی پیاری گل کی تھی ہے فرماندے نے دنیا اندر تنگی دے دنیا اندر تنگی دے وے خاص پیار یار کافر ظالم فاسق فاجر او لٹ دے نی موج بہار حضرت آدم کڈ بہشتوں حضرت آدم کڈ بہشتوں تے کنے سال روایا ویکھو حضرت نوح نبی نے تے کنا دکھ اٹھایا چیر دتا زکریا تائیں اوے چیر دتا زکریا تائیں سار اتے رکھ آری ایوب دے تن پائی بیماری کیڑ مصیبت پاری تے کسرا کیسر رب دے دشمن کسرا کیسر رب دے دشمن ایش کرن من باندے تے میرے آقا فاقیاں کولوں اے پتھر پیٹ بناندے امتحان معمولی امتحان تے نے کتے مالاں چ کمی کتے جاناں وچ کمی اینے دکھ اٹھائے اللہ دی رضا دی خاطر. ایک اللہ والا نا تسی اندازہ کرو انہاں لوگاں دی قسمت دے کیا کہنے کہ جنہاں دے زندگی دے واقعات نو رب نے قرآن دیاں ایتاں بنا چھڈے. نبی آئے پنڈ چ داخل ہوئے لوگاں نو پیغام سنایا توحید دا اللہ دی وحدانیت دا لوگ ایڈے مخالف ہو گئے انہاں آخیا اساں اینے الہ بنائے نے کو پانی بارش برسان والا کو ہنیری چلان والا کو بیٹیاں دین والا کو بیٹے عطا کرن والا کوئی نفع دین والا کوئی نقصان پہنچان والا اساں اینے بنائے نے تے اے آندے نے کلا ہی سارے کام کرتا ہے یہ ساڈے بارے چ نہیں. نبیاں دے قتل دے منصوبے بنائے توبہ اللہ میری توبہ نبیاں دے قتل دے پروگرام بنائے پنڈوں باہر ایک نا جنوں اسی ساڈی زبان چ جنوں کمی اسی آنے پنڈو بھار غریب ماڑا کمزور ایک ترخان پنڈ دی دوسری لامبے بیٹھا او دے کنی گل پئی
कि मेरी कौम बदनसीब नबियां दे कतल दा प्रोग्राम बनाण रही है, दौड़िया आया, वाह हबीब तेरी किस्मत दे क्या कहने, तेरा दौड़ना मेरे रब नू इन्ना पसंद आया, अल्लाह ने कुरान बना के मुस्तफा ते नाजल फरमा दिया, दौड़िया आके कौम दे सरदारां नू कहण लगा, ओ मेरी कौम दे ओ वडेरे ओ लीडर ओ गल सुन लो, कुरान नक्शा खिंचदा, अल्लाह फरमांदे ने वजा मिन अकसल मदीना ते रजुल यासा, वजा मिन अकसल मदीना ते रजुल यासा काला या कौम तबेउल मुरसली मेरी कौम दे लोगो इना नबियां दे कतल दे प्रोग्राम बनान रहे हो, जेड़े तुहाडे कोलों पैसा भी कोई नहीं मंगदे, अपनियां मेहनतां दा सवाल भी नहीं करदे, अपनी मजदूरी दा मुतालबा भी नहीं करदे, इना दे आखे लग जाओ, इना दे ताबेदार बन जाओ, इना दी गल मन लो। उन्हें आखिया ओए तू बड़ा वड्डा इन्हां दा खैर खा बन के आया, पहला अपनी पोजीशन तू वाजे कर, हां तू की है, ते कहन लगा वा माल या ला अब्दुल लजी फातरनी वा इलैहि तुरजाऊन, मैनू की होया जिस रब ने मैनू पैदा कीता ते जिदे वल मैं मुड़ के जाना, मैं क्यों ना उस रब की इबादत करा, की माना के मैं ते मन बैठा वा ला इलाहा, पढ़ लो ला इलाहा, मैं ते मन बैठा, हाय बेनसीबी ओना जालिमा ने पकड़िया, इन्ना मारिया, इन्ना सताया, इन्ना मारिया, जमीन ते लिटाया, सीने ते चढ़ गया, पेट ते चढ़ गया, ते इस अल्लाह वाले दे पेट दिया अंतड़ियां निकल आईया, अल्लाह ने शहादत दा मर्तबा नसीब फरमाया, वाह कैसी किस्मत, इधरों जान निकल दिए पे ते उधरों अल्लाह दा पैगाम आया, की ला दुखुलिल जन्ना, की लादो खोलिल जन्ना, जाओ मेरे बंदिया मेरे दीन वास्ते इन्ने दुख वेखे नहीं, मैं तेरे वास्ते जन्नत दे दरवाजे खोल दिते ने, हबीब नजार दे नाम नाल मारूफ है, और मैं कहा करना एक ओ हबीब है ते एक मेरा भी हबीब रहमान गुजरे है, एक ओ हबीब है एक मेरा भी हबीबुर रहमान है, जिन्ने इस्लाम दी अजमत दी खातर, नबी दे सहाबा दी अजमत दी खातर, अल्लाह दे कुरान दी इज्जत दी खातर, अपने मुल्क ओ मिल्लत दे दिफा दी खातर, अपना बच्चा भी ज़बह करवाया, अपने सीने ते खंजर भी खाते ने, ते बिल आखर अपनी जान दा भी नजराना पेश करके चला गया, एक ओ हबीब ओदे पेट दियां अंतड़ियां बाहर निकलियां, एक ए हबीबुर रहमान बंब दा धमाका होया पेट दियां अंतड़ियां बाहर निकलियां, मेरा यकीन है अल्लाह दी रहमत तो, अल्लाह फरमांदे होणगे हबीबुर रहमान सब कुछ लौटा के आ गया, जा तेरे वास्ते मैं जन्नत दे दरवाजे खोल दिते ने, 23 मार्च आउंदा ते साडे जख्मां नू झंझोड़ देंदा, 23 मार्च आउंदा जख्म नै सिरे, नै सिरे उन्हां जख्मां दे अंदर
टीसा पैनिया शुरू हो जांदियां ने कि अज दे दिन 30 मार्च दे दिन आलम इस्लाम दा अजीम लीडर जिन्हों लोग अल्लामा इहसान क्या कर दे सन अपनी जान दा नजराना पेश कर गया। ओ परवाने ओ मरना ते है ही है, जाना ते है ही है, कोई एक्सीडेंट ना फौत हो जांदा, कोई पानी च डुब के फौत हो जांदा, कोई आग विच सड़ के फौत हो जांदा, कोई दीवार थले आके मर जांदा। ओ जाना ते है ही है, ओदी किस्मत दे क्या कहने, धमाका लाहौर विच होया, फौत रियाज विच होया, जनाजा बैतुल्ला ते मस्जिद नबवी विच होया, ते कबर जन्नतुल बकी विच लब गई है। मरना ते है ही है, जाना ते है ही है, पर ओदी किस्मत ते मुकद्दर दे क्या कहने, के जिन्हों अल्लाह ने एडी अजीम मौत नसीब फरमा दीती है। मैं कुर्बान ते सदके जावा, कैसी खुश नसीबी है। और अगली गल भी समझ लो, इज्जत एवें नहीं लभदियां, अजमत एवें मुयसर नहीं आउंदियां, ओदे वास्ते कई दुख ते परेशानियां नूं दामन दे अंदर समेटना पैंदा। आंदे ने मेहंदी, मेहंदी वेखी जे मेहंदी, और मैं कहड़ा फारसी बोलन लग पिया, मेहंदी मेहंदी दे पत्ते हाथ दे बन लईए रंग चढ़ जांदा, क्यों जी? मेहंदी दे पत्ते हाथ दे बन लईए रंग चढ़ जांदा, नहीं चढ़दा। कदों चढ़दा? जदों इहनूं चंगी तरह घोटिया जांदा, पीसिया जांदा, दौरिया च रगड़िया जांदा, ते फिर जदों इहदी मैं मर जांदी। आ मैं ने भी बड़े स्यापे पाए, मैं एडा वड्डा लीडर, मैं एडा वड्डा चौधरी, मैं एडा वड्डा मुफ्ती, मैं एडा वड्डा मौलवी, मैं एडा वड्डा अलामा, मैं ने भी बड़ा स्यापा पाया जे। बहुती मैं भी ना करिया करो, मैं करदी नूं साईं छुरी थले भी रख लैंदे। जदों इहदी मैं मर गई ना, ते फिर इस मेहंदी नूं हत्थां ते लगाया ते रंग चढ़दा पिया, सुभान अल्लाह। ते मौलाना फरमांदे ने, आज इस मेहंदी सब दुख सहिंदी, आज इस मेहंदी सब दुख सहिंदी, मुड़ तलियां ते चढ़ बैंदी, ए तन मन चीर चरा कर कंगी, ते तात जुल्फां विच वैंदी, रगड़े खांदा सब दुख सहिंदा, रगड़े खांदा सब दुख सहिंदा, ते सुरमा दर्द रंजाना, जिस घर किसे नहीं चाती पाई, ए उस घर करे ठिकाना, ए टोपी आज सीवन वेले, टोपी आज सीवन वेले, ते हुंदी है लीरा लीरा, फिर सर पर ऐन मकान बनावे, अपीर फकीर अमीरा, अजमता मिलदिया ने, शान मिलते ने, मकाम ते वकार जरूर अल्लाह अता फरमाते ने, और ओदे वास्ते जरूरत है कि अपना माल कुर्बान किया जाए, लोड़ पै ते बच्चे कुर्बान कर दिते जान, जरूरत पेश आए ते अपनी जान तक दा नजराना अल्लाह दे रस्ते दे अंदर पेश कर दिता जाए, फिर इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह जुल जलाल दी रजा भी मिलेगी, ते बिल आखर अल्लाह जुल जलाल दे जन्नत दा हकदार भी बंदा बन जाएगा। अल्लाह को दुआ है अल्लाह सानू सारिया नू अपने महबूब पैगंबर दा सच्चा ताबेदार बनाए, और कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक बख्शे।
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ بیماراں واسطے صحت دی دعا فرمانا، فوت شدگان واسطے مغفرت دی دعا کرنا، بے اولاداں واسطے اللہ تمام نو نیک صالح اولاداں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علی اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ساڈے تمام بیماراں نوں شفائے کاملہ نصیب فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، بے اولاداں نوں نیک صالح اولاداں عطا فرما۔ اللہ سانوں تے ساڈیاں اولاداں نوں اپنے دین دے خادم بنا۔ اے میرے اللہ، جب تک زندہ رکھیں اسلام تے رکھیں، موت آئے تے کلمہ نصیب فرما، خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر فرما۔ قیامت دے دن اپنے پاک نبی دے ہتھوں حوض کوثر دا جام نصیب فرما۔ اللہ ساڈا آنا بیٹھنا قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا۔ اللہ اپنے اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ مولا جنو آباد رکھ دینے تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما۔ اللہ اس سارے مجمع تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما، ساڈے دیاں نیک تمناواں پوریاں فرما، جائز حاجات نو پورا فرما۔ اللہ ساڈے چو جنہاں دے والدین پہنا پائی عزیز و اقارب فوت ہو گئے نے، انہاں دی مغفرت فرما۔ گناہگار سن تے گناہ معاف فرما، نیک سن تے انہاں دے درجات نو بلند فرما۔ اللہ پاکستان تے اہل پاکستان دی حفاظت فرما، میرے ملک دے دشمناں ویریاں دے منصوبے نو خاک اندر ملا۔ اللہ حرمین شریفین دی حفاظت فرما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔